नमस्कार, मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कैब चालकों से डिलीवरी बॉय तक को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार, जल्द लॉन्च होगा एग्रीगेटर मॉड्यूल। केंद्र सरकार ऑनलाइन एवं ऐप आधारित प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा समेत बड़ी राहत दे सकती है। इनमें कैब चालक, डिलीवरी बॉय और अन्य तरह के सामान सप्लाई करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बाबत प्लेटफॉर्म कर्मियों के संगठनों से सीधा इनपुट पर जोर दिया, जिससे सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूत और व्यापक तंत्र विकसित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ देने के लिए समिति का गठन किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ई श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की बात कही और बताया कि जल्दी ही एग्रीगेटर मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। NTA ने किया JEE मेंस एग्जाम पैटर्न में बदलाव, सेक्शन बी में ऑप्शनल खत्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस 2025 के पैटर्न में बदलाव किया है। अब सेक्शन बी में ऑप्शनल सवाल खत्म कर दिए गए हैं और अभ्यर्थियों को सभी 5 सवालों के उत्तर देने होंगे। इससे पहले 10 सवाल होते थे, जिसमें से 5 प्रश्नों का जवाब देना जरूरी था। NTA ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान बच्चों पर दबाव कम करने के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन की शुरुआत की गई थी। अब अगले साल से इसके पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव अगले साल से ही लागू हो रहा है। कैंडिडेट्स को अब बिना किसी विकल्प के सभी 5 सवालों को हल करना होगा। NTA ने यह भी कहा कि JEE मेंस 2025 के पहले फेज के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भाजपा ने इमरजेंसी के 50 साल पर कांग्रेस को घेरने की बनाई रणनीति। भाजपा ने आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस को घेरने के लिए खास योजना बनाई है। इसके तहत भाजपा अब कांग्रेस को टारगेट करने के लिए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल का ऐलान किया था, जिसके 50 वर्ष अगले साल पूरे हो रहे हैं। BJP आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताती रही है। इस बारे में BJP ने NDA के अपने सभी सहयोगियों को भी अवगत करा दिया है। इस बारे में चंडीगढ़ में आयोजित NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, BJP अध्यक्ष JP नड्डा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आदि मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा का फॉर्मूला अपना सकती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हरियाणा जैसी परफॉर्मेंस दोहराने की तैयारी में है और इसके लिए हरियाणा का फॉर्मूला भी अपना सकती है। पार्टी इसके लिए अलग रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा की इस रणनीति के तहत जातीय समीकरण साधने के साथ गठबंधन सरकार के कामकाज को हाईलाइट करना शामिल है। बताया जाता है कि भाजपा महाराष्ट्र में 5 थ्योरी पर काम कर रही है। इनमें मराठा वोटर्स, OBC वोटर्स, दलित वोटर्स पर फोकस के साथ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस यानी P2G2 शामिल है। भाजपा का यह फॉर्मूला आम लोगों के प्रति सरकार के फोकस को दर्शाता है। रतन टाटा ने 4 लोगों को दी वसीयत लागू कराने की जिम्मेदारी, इनमें सौतेली बहनें भी शामिल। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया था। रतन टाटा अपने पीछे करीब 7,900 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने अपनी वसीयत को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अपने करीबी वकील डेरियस खंबाटा और सहयोगी मेहली मिस्त्री को दी है। इसके साथ ही रतन टाटा ने अपनी सौतेली बहनों शिरीन और डियाना जीजी भॉय को भी नॉमिनेट किया है। टाटा की इन दोनों बहनों ने परोपकारी कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इनमें डियाना तो रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी भी रही हैं। नियमों के अनुसार दिवंगत की वसीयत को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटर का होना जरूरी है। रतन टाटा चाहते थे कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान और समाज के कल्याण में दिया जाए। हमास के बाद इजरायली सेना का हिजबुल्लाह पर कहर जारी, मारे गए कई बड़े कमांडर। इसराइल ने हमास के बाद लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को तेजी से निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
इस लड़ाई में अब तक हिजबुल्ला के कई कमांडरों समेत करीब 2,500 लोग मारे गए हैं और लगभग 12,000 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सुरक्षा बल लेबनान में छिपे हिजबुल्ला आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक जिनीन हेनिस प्लास्टचार्ट ने इजरायली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसराइल ने पूरे लेबनान में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में घिरी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ईडी ने की पूछताछ। महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने तमन्ना भाटिया से गुवाहाटी स्थित कार्यालय में पूछताछ की है। इस दौरान तमन्ना के साथ उनकी मां भी थी। हालांकि तमन्ना भाटिया से पूछताछ बतौर आरोपी नहीं की जा रही है, बल्कि बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के मामले में हो रही है। तमन्ना भाटिया ने कथित तौर पर फेयर प्ले सट्टेबाजी ऐप पर इंडियन प्रीमियर लीग मैच देखने को बढ़ावा दिया था। इसी सिलसिले में ईडी ने पूछताछ के लिए तमन्ना भाटिया को तलब किया था। इससे पहले एक्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था। महादेव बैटिंग ऐप के जरिए लोगों को 57,000 रुपए लगाने पर प्रतिदिन 4,000 रुपए देने का वादा करके करोड़ों रुपए ठगे गए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।